तो भिलवाड़ा में सर्दी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। रात में ही पूरा भिलवाड़ा शहर कोहरे की आगोश में समाया हुआ है। घना कोहरा पड़ने से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। सर्दी से बचने के लिए लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आ रहे हैं। भिलवाड़ा शहर की इस प्रचंड सर्दी और घने कोहरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने, देखिए रिपोर्ट। सर्दी ने अपना प्रचंड रूप भिलवाड़ा वासियों को दिखा दिया है। रात को कोहरा देखिए, रात का ये कोहरा है और इस कोहरे ने पूरे भिलवाड़ा को ढक लिया है। पूरे भिलवाड़ा में कोहरा हो चुका है। अजमेर पुलिया पे खड़े हुए हैं, अजमेर चौराहे पे हम खड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी विजिबिलिटी कम है, एक तरीके से देखा जाए तो शून्य विजिबिलिटी हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो गाड़ी चालक है उनको गाड़ी चलाने में कई प्रकार की समस्या हो रही है। चारों तरफ आपको कोहरा दिखेगा। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है और कहीं ना कहीं तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है। सर्दी अपने प्रचंड पर है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सर्दी अपने पूरे रंग दिखा रही है। आप देख सकते हैं कैसे इस कोहरे से बचने के लिए लोग बाग यहाँ पे अलाव ताप रहे हैं, गर्मी का एहसास ले रहे हैं, चाय की चुस्कियां यहाँ पे ले रहे हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। हम बात करते हैं कुछ लोगों से, पहले कभी ऐसी सर्दी ऐसा कोहरा देखा क्या? नहीं सर, ऐसा सर्दी ऐसा कोहरा देखने को नहीं मिला। जिस तरह का ये माहौल है ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में या जम्मू में बैठे हैं। इतना कोहरा या तो मॉर्निंग के समय पे होता है, इतना कोहरा इस समय पे नहीं होता है, उतना अभी है। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि गर्मा गर्म चाय होती है अग्नि।